Nene. Alright class, Bismillahir Rahman Rahim, Assalamu Alaikum. Sorry I was a bit late. Chunki I was a bit busy, to us waise I was unable to come on time. So I took some time off. Isliye I'm a bit about 20 minutes late, lekin I hope ke it's not a big problem. As far as the introduction is concerned, my name is Dr. Azat Tanveer. I'm from 43rd Specialized Training Program, or I did CSS in 2014. I was a topper of Police Service of Pakistan in CSS 2014, and I've been teaching English SA for the last three years in Islamabad and Peshawar, and still continuing this tradition. Being a doctor, it's always people question me, ki ji, being a doctor, how are you able to teach English SA? So I just tell them it's all because of the teacher that I had in Peshawar, Sir Atiq. Unse maine sikha hai aur unhone jo cheez mujhe sikhai hai usi ko main aage ja ke implement kar raha hu, aur usi ke sath main cheezon ko jo jo samajh aati hai, jaise jaise samajh aayi usko main jo hai na wo aage leke ja raha hu. So this was the aur us wajah se he taught me things, aur wo sari things and those impressions and those things that I have learned from him, I have been able to learn and I'm able to transfer it to the students that I have. Alhamdulillah, for the last 3 years I have many students jinhone English essay ko meri methodologies pe follow kiya, aur alhamdulillah they have all been passed. Alhamdulillah they have they've been kind enough, really. Bahut kam aise students hote hain jo ke they call back and appreciate the efforts of their teacher. So it was a very heartening for me to see them calling me back when they pass the exam or when they are get allocated in different groups. So that is wonderful on them. Aur iske alawa jo coming back, let's start with the discussion first of all. So I'll be discussing different things as far as my knowledge is concerned. To uske baad inshallah 40-50 minutes ka ek session leke I'll try कि कितना हम लोग जो है ना वो उसको हम देख सकते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं, जो हम सारी चीज़ें हम देख सकते हैं. तो उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसके हम उनके आंसर्स की तरफ जाएंगे, तो फिर वील बी एबल टू सी के किस तरह से चीज़ें जो हैं वो चलती हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों ने समझनी है वो ये है कि इंग्लिश ऐसे या इंग्लिश को लिखने के लिए जितने भी राइटिंग स्टाइल्स होते हैं या जितने भी राइटिंग एरियाज़ हैं या डिफरेंट स्टाइल्स हैं, कोई एक स्टाइल नहीं है कि जिसको हम फॉलो करें या जिसको हम फॉलो करना चाहें. हर एक बंदे का, हर एक दोस्त, हर एक राइटर का, हर एक बंदे का अपना एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है और वो उस स्टाइल को फॉलो करता है. फिर उसके अलावा मुख्तलिफ रूल्स हैं, मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं और जिसको हम फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है.
हर बंदे का अपने, हर टीचर, हर एक सीएसपी ऑफिसर या जो जिस बंदे ने भी एग्ज़ाम पास किया होगा वो सारे आप लोगों को इसी चीज़ के बारे में बताएंगे कि जनाब इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर देम टू फॉलो वन थिंग। तो मुख्तलिफ़ मेथडोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि जो कि हमें इस चीज़ में आपके सामने जो है ना वो हम रख सकते हैं। तो मेरा स्टाइल इज़ वन ऑफ़ देम। वो अब डिपेंड करता है कि अगर आपको इजी लगे यू कैन फॉलो इट, इफ़ अगर आपको इजी ना लगे, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद एनी अदर स्टाइल वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो कोई एक पैक्ट रूल, एक पैक्ट, एक कोई फार्मूला नहीं है इस चीज़ का कि जो कि हम कर सकें। हाँ, अलबत्त जो मेरी कोशिश होती होती है कि जो स्टूडेंट है उसको हम ये ज़रूर सिखा सकें कि जी लिखना कैसे है, किस चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन से डोंट्स एंड डोंट्स से पॉजिटिव्स हैं, कौन से नेगेटिव्स हैं, कौन से वो सारी चीज़ें हैं कि जो कि हमने करनी है, किन चीज़ों को हमने जो है ना वो केटर फॉर जो है ना वो करना है। तो इन ये सारी चीज़ें जो है ना इनको हम जब समझते हैं तो आई थिंक वो काम जो है वो आसान हो सकता है। और हमारा काम ये है कि तो टीचर जो है हम जो है वो लोगों को जो है ना वो चीज़ों को सिखा सकें, लोगों को चीज़ों को बता सकें कि उनकी उनका जो लाइफ है, द लाइफ ऑफ अ टीचर और द पर्पज़ ऑफ टीचर इज़ कि ही मेक्स द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स ईजियर। और यही जो है वो मेरा स्टाइल होता है कि जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट का जो काम है वो जो है ना वो उनके साथ आसान हो सके। ठीक है जी, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंग्लिश ऐसे जो है मेरे हिसाब से जो सबसे ईजीएस्ट पेपर फॉर एनी वन टू पास इज़ इंग्लिश ऐसे। हम लोगों ने ख़ुद जो है उसके बारे में कोई मिथ्स, कोई उसके बारे में मुख्तलिफ़ हाइप्स, मुख्तलिफ़ थिंग्स जो हैं वो उसके बारे में बना ली हैं। तो उसकी वजह से हमने ख़ुद बहुत ऑटोमेटिकली अपने लिए जो पेपर है वो बड़ा मुश्किल सा कर दिया। हालांकि जो सबसे ईजी पेपर है जो फॉर यू टू पास इज़ दैट इज़ इंग्लिश ऐसे, लेकिन हमने अपने जहन में चीज़ें डाल दी हुई हैं जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ये चीज़ हमसे नहीं हो सकती। तो उस वजह से हम इस चीज़ को बिल्कुल जो है ना वो फॉलो नहीं कर रहे उस चीज़ों का। तो वो पहले चीज़ें हमने समझनी है, ठीक हो गया। उसके बाद मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जिस स्टेप्स के थ्रू हम एक किसी भी इंग्लिश ऐसे को लिखेंगे करेंगे तो वो हमारा काम जो है वो आसान होता जाएगा। उसके अलावा कुछ टाइम मैनेजमेंट होती है, उसके ऊपर हम जो है वो काम करेंगे तो हमारा काम जो है वो आसान हो सकता है या हमारा काम जो है ना वो आगे चल सकता है। ठीक हो गया जी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है जी, क्वेश्चंस की तरफ भी हम आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो सिंपल है कि जी थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, आउटलाइन क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, वो चीज़ क्या होती है। तो मेरी मेथडोलॉजी में थीसिस स्टेटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, हम उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए जो है ना बड़ा एक मुश्किल काम है कि वो एक लिख सके पूरे के पूरे चीज़ों को एक जगह पे ला के एक सेंटेंस में जो है समराइज़ करके लिख सके। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अ स्टूडेंट टू डू। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ है, आप सब लोगों को जो है ना वो जो काम करते हैं वो ये है कि कोशिश ये करते हैं कि जी आउटलाइंस लिखें, आउटलाइंस को प्रैक्टिस करें जी। और मैक्सिमम 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे की तैयारी कैसे करते हैं जी, आउटलाइंस लिख के, आउटलाइंस लिख के, आउटलाइंस लिख के। लेट मी आस्क एवरीवन अ क्वेश्चन कि अगर आप आउटलाइंस की प्रैक्टिस करेंगे और आपके आगे इंग्लिश लिखनी आपको नहीं आती है तो उस आउटलाइन का क्या फ़ायदा है, उस प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा है? आपकी आउटलाइन तो इमटेरियल हो जाती है कि जब आपने आपको लिखने का तरीका नहीं आता, आपको इस वॉज का पता नहीं है, आप जो इंट्रोडक्शन में गलतियां कर रहे हैं, आपको इंट्रोडक्शन के सेक्शंस का नहीं पता, आपने उसको रिहर्स नहीं किया हुआ, उसको चेक नहीं कराया हुआ, आपके लिखने में जो गलतियां आपने वो चेक नहीं की हुई। और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं कि जी वो पहला ऐसे ही जाके जो है ना वो लिख के आते हैं काम पर इसके एग्ज़ाम के अंदर, और फिर बड़ा खुश होकर आते हैं कि जी हमने तो वही लिखा है कि जो कि हमसे पूछा गया था। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट अदरवाइज, तो वो कहते हैं पता नहीं मैं क्यों फेल कर दिया। तो ये हम अपनी ख़ुद कोताही करते हैं कि हमें चाहिए कि हम आउटलाइंस की प्रैक्टिस की बजाय आउटलाइंस की प्रैक्टिस करें, लेकिन साथ साथ कम अज़ कम एक अदद इंट्रोडक्शन जो है ना वो हमने ज़रूर लिखी हो ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम हर एक सब्जेक्ट को टाइम देते हैं। हम क्या करते हैं कि जी यूएस हिस्ट्री को टाइम देंगे 10-15 दिन, उसको प्लान बनाएंगे हम, उसके बाद आईआर को
ٹائم دیں گے پلان بنائیں گے، انٹرنیشنل لا کو ٹائم دیں گے اس کا پلان بنائیں گے، مطلب مختلف اس کو جس طرح سے ہم یونیورسٹی کے ایگزام میں پڑھتے ہیں ہم ان سب کے جو ہے نا ٹائم ایلوکیشن جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ دیتے ہوئے ہم اپنا کام کرتے ہیں. بٹ وین اٹ کمز ٹو انگلش ایس اے اینڈ انگلش پریسی تو 80% آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹائم ہی نہیں دیتے اس کو. لائک ہاؤ مینی ڈیز آپ نے کم از کم اس کو 2 weeks پریسی کو 2 weeks جو ہے نا آپ نے ایسے کو ضرور دینا ہے، اور وہ یہ نہیں دینا کہ کنٹینیوس 2 weeks، نو آپ نے کم از کم 1 یا 2 دن اپنے ویک میں یا منتھ میں کم از کم 3-4 days ہر منتھ میں آپ نے ان دونوں سبجیکٹس کو دینے ہیں تاکہ ایک پورا دن لگے، آپ پورا ایک ایسے لکھو، اس کو پلان کرو، پھر اس کو چیک کراؤ تاکہ آپ کو اپنی مسٹیک کے بارے میں پتہ آ سکے. تو وی ڈو ناٹ گیو ٹائم ٹو دس سبجیکٹ، اٹ از اندر ویری بگ جو ہے نا مسٹیک دیٹ وی ڈو ان پریپریشن آف دس ایگزام. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری چیز، اگلی چیز ہے کلیئرٹی. ہم لوگ بالکل بھی جو ہے نا وہ ٹاپک پہ کلیئر نہیں ہوتے اور ہم جو ہے نا اس ٹاپک کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. وی آر ناٹ کلیئر آن دا ٹاپک اینڈ وی اٹمپٹ اٹ. وائی وین یو ناٹ کلیئر آن اینی تھنگ وائی آر یو اٹمپٹنگ اٹ؟ دس از ناٹ اونلی ریسٹرکٹیڈ ٹو ایس اے بٹ آلسو ٹو آل دی ادر سبجیکٹس. اٹ از ویری ریلیونٹ پرٹینٹ ٹو آل ادر سبجیکٹس. وائی؟ بیکاز وی ہم بس سوال دے کے پاگل ہو کے بسم اللہ کر کے شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ آخر نے ایگزام نے ہم سے کیا پوچھا، ایگزامینر کیا چاہتا ہے ہم سے، کس چیز کے بارے میں وہ ہم سے چاہ رہا ہے، کیوں چاہ رہا ہے، کیسے چاہ رہا ہے، کیا اس کا ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ تو بتائیں ہمیں. وہ ہم سمجھتے نہیں اور ہم بسم اللہ کر کے لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی ہمیں فیل کر دیا گیا. تو کلیئرٹی از ویری ویری اسینشیل. اگلی چیز ہے سمپلسٹی. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم مشکل سے مشکل ترین الفاظ کا چناؤ کریں گے انگلش ایسے میں اور ان کو لکھ لیں گے اور اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ ہم لوگ پاس ہو جائیں گے. جی مشکل سے مشکل الفاظ اگر ہم لکھیں گے تو اس سے ہم لوگ کیا ہو جائے گا، ہم لوگ پاس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، جسٹ اے منٹ پلیز. ٹھیک ہے، تو مشکل سے مشکل الفاظ اگر ہم لکھیں گے تو ہم پاس ہو جائیں گے، اگر نہیں لکھیں گے تو ہم فیل ہو جائیں گے. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، مشکل مشکل الفاظ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لکھنا جو ہے نا ٹھونس دیتے ہیں اپنے انگلش ایسے کے اندر ود آؤٹ ایون تھنکنگ کہ یار یہ تو ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو سینٹینس یا ورڈ ہم نے یوز کیا ہو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو، یا کوئی اور چیز ہو، یا کوئی اور بات ہو، یا کوئی اور چیز ہو، وہ ہم اس کو سوچے بغیر یہ کام کرتے ہیں. تو وائی ڈو وی ڈو دیٹ؟ تو یہ ہمیں نہیں کرنا. ٹھیک ہے جناب، اگلا چیز یہ ہے کہ جی ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے جو ٹاپک لکھا ہے وہ سب نے لکھا ہے، کہ جی ہمارا ٹاپک جو ہے سب نے لکھا ہے تو اس لیے مسئلہ ہو جائے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے بجائے سب لوگوں نے وہی ٹاپک کیا ہو، آپ نے جو کام کیا ہے دیٹ میٹرز دا موسٹ، دیٹ میٹرز دا بیسٹ. ٹھیک ہے، یو آر ریسپانسبل فار یور اون ورک ناٹ دی ورک آف دی ادرس. آپ جو کام کریں وہ ٹھیک کریں، باقی لوگوں کے بارے میں جو ہے نا آپ بھول جائیں. اگلی چیز، میں مسٹیکس سے سٹارٹ کروں کہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ ہم نے نہیں کرنی. اگلی چیز جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ اپنے آپ سے ٹاپک بنا کے نا اس پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب انرجی کرائسس اس پہ لکھنا شروع کر دیجیے، مطلب ٹیررزم اس پہ لکھنا شروع کر دیا، ایجوکیشن ان پاکستان اس پہ لکھنا شروع کر دیا، ڈیموکریسی ان پاکستان اس پہ لکھنا شروع کر دیا، میڈیا ان پاکستان اس پہ لکھنا شروع کر دیا، جس کا آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ ایگزام میں وہ انرجی کرائسس سے نہیں پوچھتا، ایگزام میں وہ ٹیررزم سے نہیں پوچھتا، ایگزام میں وہ کسی اسی چیز سے نہیں پوچھتا، وہ بلکہ اس انرجی کرائسس یا اس ٹیررزم یا اس ایجوکیشن کے کسی ایک خاص سیکٹر سے پوچھتا ہے. تو آپ کو وہ آنا چاہیے کہ آپ انٹروڈیوس کیسے کرو گے اور پھر اس سیکٹر تک کیسے جاؤ گے، یہ چیز امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ پاسٹ پیپرز کو سالو کرو، پاسٹ پیپرز کو چلو، پاسٹ پیپرز کے تھرو ان چیزوں کو کرو، تب جا کے آپ کا کام جو ہے نا وہ آسان ہوگا. ٹھیک ہے، تو اون ٹاپکس جو ہے نا آپ نے وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، اگلی چیز، ہمارے اکثر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایگزامینر، ہم کوئی ایسی بات لکھیں گے تو ایگزامینر ہمیں فیل کر دے گا. یار ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ایگزامینر ہمیں فیل کرے، یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے. ایسی چیزیں بڑی ہم سننے کو آتے ہیں، بڑی چیزیں ہم کرتے ہیں. تو سوال میرا بڑا سادہ سا ہے کہ اگر ہم
एग्जामिनर हमें फ़ेल करना चाहे तो वैसे भी फ़ेल कर सकता है, ये कोई बात नहीं है। आपने CSS का एग्ज़ाम में जो भी लिखना है या जिस तरह से भी लिखना है आपने उसको प्रूफ करना है, चाहे वो एसए का पेपर हो, चाहे वो IR का पेपर हो, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स का हो। आप कोई बात लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, क्या वजह है, क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या आपके पास बेस है, क्या बेसिस है, किन बेसिस पे आप जो है ना वो ये सारी बात कर रहे हो, तो बेसिस बताना ज़रूरी होता है। तो आप कोई भी बात करो विदाउट थिंकिंग एग्जामिनर विल एग्री और डिसएग्री, ठीक है। देर ऑल मेच्योर ऑफिसर्स जो आपके पेपर चेक करते हैं वो ऐसी बात को परवाह नहीं करते, बस इसकी परवाह ज़रूर करते हैं कि आपने कोई बात लिखी है तो उसका क्या प्रूफ लिखा है। तो प्रूफ लिखना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है, तो वो चीज़ आपने उसमें ज़रूर जो है ना वो करनी है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ उसमें हम आते हैं, अगली चीज़ जिसमें हम आते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है स्टेप्स। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ताकि आप एक समराइज़ करूँ, ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ इट टेक्स अबाउट 10 to 15 लेक्चर्स टू एक्सप्लेन, बट आई एम ट्राई माई बेस्ट कि किस तरह से हम इसको 30-40 मिनट्स में समराइज़ कर लें ताकि हम उसके ऊपर जो है ना कोई डिस्कशन कर सकें, उसके बाद आपके कोई क्वेश्चंस जो है ना वो उनको ले सकें, ठीक है। अब रूल्स जो हैं हम सिर्फ 3-4 चीज़ों का सामने रखते हैं। हम नंबर वन ये करते हैं कि हमारा काम सिंपल होना चाहिए, सिंपलिसिटी। नंबर टू कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसका आपस में कनेक्शन हो, फर्स्ट सेंटेंस लास्ट सेंटेंस के बाद आपस में कनेक्टेड हो। और थर्ड चीज़ है फ़्लो, हमने एक फ़्लो को मेंटेन किया हो कि जी पहले हम कोई बैकग्राउंड देते हैं, फिर उसके बाद कोई एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद अगले पे जाते हैं, फिर रिकमेंडेशन देते हैं, फिर कंक्लूजन देते हैं। तो जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऐसे हैं उसको कहते हैं फ़्लो, उसको हम मेंटेन करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस अलॉट, ठीक हो गया जी। अब आते हैं स्टेप्स फॉर राइटिंग ऑफ द इंग्लिश ऐसे, ठीक है। जो हम डिस्कशंस तो बहुत हैं लेकिन जो स्टेप्स पे आते हैं ताकि हम स्टेप्स को डिस्कस कर लें एक ही दफ़ा 30-40 मिनट्स में, हालांकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स, ठीक हो गया जी। ओपन क्वेश्चन है सबसे अभी फ़िलहाल कि मुझे आप लोग ये बताएं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू डू इन इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे में फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट वी डू। ओपन क्वेश्चन है, एसएन अली हैज सेज ब्रेनस्टॉर्मिंग व्हिच इज रॉन्ग। अगला कोई बंदा है, और बंदे भी जवाब दे सकते हैं। वी हैव अबाउट 76 पीपल लाइव ऑन दिस वीडियो। आउटलाइन इज रॉन्ग, आउटलाइन इज रॉन्ग अगेन, ठीक है ठीक है ठीक हो गया। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज रॉन्ग, टॉपिक सिलेक्शन इज फाइन, अंडरस्टैंडिंग एसे इज रॉन्ग, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज रॉन्ग, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज रॉन्ग, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक इज रॉन्ग, थीसिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज रॉन्ग, मेकिंग एन आउटलाइन इज रॉन्ग, ठीक है जी। 3-4 लोगों ने सिर्फ जवाब दिया जिसमें चूजिंग द टॉपिक जो है ना दैट इज द थिंग। चूजिंग ऑफ अ टॉपिक, स्टेप वन इज चूजिंग ऑफ अ टॉपिक, यू हैव टू सेलेक्ट द टॉपिक, ठीक है। टॉपिक सिलेक्शन इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इन इंग्लिश एसे, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन नहीं आती, बस आपके आंसर्स मुझे हो चुके हैं, तो सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक इज स्टेप नंबर वन, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि टॉपिक सिलेक्शन की आपने कभी रिहर्सल की है, तो टॉपिक सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि जी टॉपिक सिलेक्शन में हम पहले ये देखते हैं कि जी कौन सा टॉपिक हमने करना है कौन सा हमने नहीं करना, ठीक है जी। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारा जो माइंड सेट है वो किस तरफ गया हुआ है। हमारी जो ये डिस्कशन है, ये डिस्कशन जो है वो करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड के टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कस करती है, ठीक है। अभी अपने कमेंट्स डालना छोड़ दें, अब हम डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं, सो आई डोंट नीड एनी मोर डिस्ट्रैक्शन प्लीज़, ठीक हो गया जी।
No need for further comments, please. All right. So, हम दो तरह के जो है ना वो टॉपिक हमारे पास ब्रॉडर कैटेगरीज में आते हैं, कहाँ पे? इंग्लिश एसे में. एक आता है लिटरेरी बैकग्राउंड से और एक आता है करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड से. क्योंकि मोस्ट ऑफ़ अस 99% ऑफ अस आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड, तो हमने इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक को टच नहीं करना. हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक को जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे, ताकि ये हमारी जो डिस्कशन अभी हम कर भी रहे हैं वो सारी करंट अफेयर्स के टॉपिक के बैकग्राउंड से होती है. ठीक है जी. तो हम क्या करेंगे कि हम फौरी तौर पे 10 के 10 टॉपिक्स को पढ़ेंगे और पहले उन सब को एलिमिनेट करके क्रॉस लगा देंगे कि जो कि हमारे साथ क्या हैं, लिटरेरी बैकग्राउंड से. तो आपके 5 से 6 टॉपिक्स जो है ना इस तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं. पीछे रह गए 4 से 5 टॉपिक्स जो कि करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड से होते हैं. उसमें फिर आपने अपना स्ट्रॉन्ग एरिया देखना होता है कि आपको कौन सा टॉपिक है जिस पे आपकी अथॉरिटी या आपका नॉलेज या आपका जो उस पे रीच है वो बहुत ज़्यादा है, वो आप उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हो. हो सकता है कि एक बंदे ने टेररिज्म पे बहुत काम किया हो, तो टेररिज्म वाला जो टॉपिक है वो उसमें आया हो, तो वो उसको ज़ाहिर बातें चूज़ करेगा. एक बंदा है उसने एनर्जी क्राइसिस पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, एनर्जी क्राइसिस पे आता है ऐसे, तो वो उसको चूज़ करता है इनवेरिएबली बिकॉज उसने उसको चूज़ किया. या कोई डेमोक्रेसी पे काम करता है तो डेमोक्रेसी पे आता है, तो वो उसको वहाँ से चूज़ करता है, तो दैट गोज़ फॉर डेमोक्रेसी. ठीक हो गया. ठीक है, ये तो बड़ा ईजी सा आ गया. जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें हम करते हैं. बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप दो टॉपिक्स में कन्फ्यूज़ जाते हो, जैसे कि जी आपने करंट अफेयर्स वाला भी, सॉरी, आपने एनर्जी क्राइसिस भी तैयार किया था और साथ साथ आप लोगों ने जो है ना वो टेररिज्म भी तैयार किया था. तो आप उसको चेक करोगे कि जो टेररिज्म पे आया है उस पे आप ज़्यादा ले सकते हो कि जो करंट अफेयर्स और जो एनर्जी क्राइसिस पे आया है उस पे आप ज़्यादा ले सकते हो. तो एक दो मिनट के लिए आप इमेजिनेट करोगे, तो उसको आप फिर चेक करने के बाद उसके ऊपर आप लिखोगे. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप इज़ कॉल्ड एज सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक. समरी उसकी ये है कि पहले आप सारे एलिमिनेट कर देते हो वो सारे बंदे के जो के आते हैं उसमें लिटरेरी से, वो एलिमिनेट हो गए. पीछे रह गए 4 से 5, उसमें जो आपका सबसे ज़्यादा जो आपका टॉपिक पे कमांड होती है आप उसको चूज़ कर लेते हो. ये आप बार बार करोगे ताकि आपको सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक में जो है ना वो आपकी आसानी आ सके. ठीक हो गया जी. दूसरी चीज़, स्टेप नंबर 2 क्या होगा? अब स्टेप नंबर 2 इज़ नोन एज अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक. आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, अब वो ये है कि आप उसको अंडरस्टैंड करें. ठीक है जी. अंडरस्टैंड करने में ज़रूरी ये है ताकि आप ये डिटरमिन कर सकें या आप इस बात पे क्लियर हो सकें कि आपने जिस चीज़ पे ऐसे लिखना है आप क्या उसके बारे में क्लियर है. नंबर 2, क्या आपको ये पता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है. और नंबर 3, क्या आपके पास उतना नॉलेज है कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं. ये 3 चीज़ें हम अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक में चेक करते हैं. ठीक है. अब अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक में हम क्या कर सकते हैं जनाब? ठीक है जी. हम उसमें 2 से 3 चीज़ों का फार्मूला लगाते हैं. हम चेक करते हैं कि ये 4-5 चीज़ें इसमें हैं कि नहीं हैं. ठीक है. सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं, मैं आपके कमेंट में एक चीज़ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है सबसे. मैंने एक कमेंट मारा है इसी विंडो के ऊपर आपके सामने, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस. इसमें हम पहली चीज़ क्या पिक करेंगे इसके अंदर से, जो हमें पिक होनी चाहिए कि जी ये चीज़ हमें करनी है. व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू पिक फ्रॉम दिस टॉपिक? व्हाट आर वी गोइंग टू पिक फ्रॉम दिस टॉपिक? जिस पे हमारा पहला जो है ना एम्फेसिस होना चाहिए कि यार ये चीज़ होनी चाहिए यार. ठीक है. वेटिंग फॉर योर आंसर्स. कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज, कॉजेज, एनर्जी क्राइसिस, कॉजेज, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज, कॉजेज एंड एनर्जी क्राइसिस. ठीक है. महबूबा शाह हैज जॉइंड अस. एनर्जी क्राइसिस, व्हाट आर द क्राइसिस, देन सम एस्पेक्ट्स ऑफ कॉजेज, एनर्जी क्राइसिस,
energy crisis in Pakistan. I'm happy कि एक one of the old students जो कि मेरी हैं उन्होंने join किया है महमूदा. I think she was in Noah. Mehmooda, if you can listen to me, please comment that you are listening to me. अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया सिवाय एक बंदे के भी मुझे नज़र आया. ठीक है, एरिया देन कॉजेज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सिवाय एक बंदे के किसी बंदे ने जवाब ही नहीं दिया. पलवशी खान ने बिल्कुल गलत दिया, इम्पैक्ट ने बिल्कुल गलत दिया, नजम ने, बस दैट्स ऑल एंड दैट्स इनफ. थीसिस स्टेटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही है इस क्लास में, इसलिए मैंने पहले भी समझा दिया है कि आप ना करें. ऑलराइट एवरीवन, यू शुड स्टॉप योर कमेंट्स नाउ. अब मैं कमेंट लिख रहा हूँ दोबारा. द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू पिक फ्रॉम दिस टॉपिक जो कि मैंने अभी आपके सामने कमेंट में लिखा है इज कॉलन, डबल डॉट, कॉलन, कॉलन लिखा हुआ है इसके अंदर. दिस इज कॉल्ड एज अ रिस्ट्रिक्शन. दिस इज एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन दैट इज देयर इन दिस टॉपिक. एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन के लफ्ज़ में बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं कॉलन. कमेंट मैंने लिखा है आपको, ठीक है, ठीक हो गया जी. और मैं आप सबको ये बता दूं कि अभी हम लिखने की तरफ नहीं जा रहे, फॉर गॉड सेक प्लीज़ लिखने की तरफ मत जाएं, अभी सिर्फ समझने की तरफ आएं कि हम लोग समझें पहले कि हमसे पूछा क्या गया है. आप लोग वही पुरानी थिंकिंग है कि जी हम अगली तरफ जा रहे हैं कि जी हमने करना क्या है. नो, पहले हमने ये समझना है कि हमसे पूछा क्या गया है. जब तक ये डिटरमिन नहीं होगा कि हमसे पूछा क्या गया है, हम आगे का ना सोचें कि जी हमने ये लिखना है, वो लिखना है, ऐसा लिखना है, वैसा लिखना है. ठीक है, दिस इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक. वाई? बिकॉज इट हैज़ अ कोलन इन दिस, एंड व्हेन इट हैज़ अ कोलन इन दिस, इट मीन्स दैट देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन इन दिस टॉपिक एंड यू आर ओनली आस्क्ड टू राइट कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस, दैट इज़ इट. The things that are coming after the colon, only that are asked. उसके अलावा किसी भी चीज़ को आप लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे. That are not required. It is not the requirement in this essay. ठीक है, आपने क्राइसिस भी नहीं एक्सप्लेन करना, आपने एनर्जी क्राइसिस को भी नहीं बताना, आपने किसी चीज़ को जो हारिस ने भी क्वेश्चन पूछा है, कमेंट किया, एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच इन दिस रिगार्ड. व्हाई? बिकॉज इसमें आपसे जब पूछा ही नहीं गया चीज़ों के बारे में, डायरेक्टली कोलन लगा हुआ है, तो आपने डायरेक्टली जो है कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस भी आना है विदाउट गिविंग एनी बैकग्राउंड, एनी थिंग एट ऑल. ठीक है, आपके बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे लिखे होंगे कि जिसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके सामने आएंगी. आप 2018 का पेपर देख लो, 70 का देखो, 3 से 4 टॉपिक्स आपको मिलेंगे जिसमें कोलन लगा होगा. और जब कोलन लगा होता है तो इट मींस आपने सिर्फ कोलन के बाद वाली चीज़ को करना है, उससे पहले वाली चीज़ को टच भी नहीं करना. जो वकार ने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल आपने उस चीज़ को टच नहीं करना, बिकॉज दिस इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एसे. ठीक हो गया जी, ये चीज़ आ गई. फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ जो हम चेक करेंगे वो चेक करेंगे कि कोई ग्रामेटिकल रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है इन एनी टॉपिक, वो हम चेक करेंगे. ठीक है, सेकंड चीज़ जो हम चेक करते हैं किसी भी टॉपिक में, कमेंट लिखा है मैंने आपके सामने, एक टॉपिक लिखा है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू पिक इन दिस टॉपिक. Our modern wars not holy wars. आगे चलें जी. ठीक है, now you are agreeing to this. इस केस में आपके सामने क्वेश्चन मार्क है,
you only have to say yes or no. अगर आप कहते हैं कि yes, तो your whole essay has to be yes. आपने नेगेटिव का किसी भी तरह का जिक्र उसमें नहीं करना. अगर आप कहते हैं कि नहीं, then you have to disagree in the whole essay and आपने उसमें नहीं करना. ठीक है जी, आपने सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी को लिखना है, दैट इज इट. ठीक है, आदर एग्री और डिसएग्री, दैट इज इट. ठीक हो गया जी. अब इसी की क्यू से मैं आपको अगली चीज बताता हूं. नाउ देन, जब आप देखें कि जी टॉपिक में ना कोई कॉलन है ना कोई क्वेश्चन मार्क है, तो फिर वो टॉपिक क्या होता है? फिर आपसे एग्जामिनर क्या चीज पूछना चाह रहा है? आपके सामने लिख दिया, उसी टॉपिक को थोड़ा चेंज कर दिया. चेंज क्या किया? उसी वर्डिंग्स को आगे पीछे किया सिर्फ. मॉडर्न वर्ड्स आर नॉट होली वर्ड्स. मॉडर्न वर्ड्स आर नॉट होली वर्ड्स. इट मीन्स एन ओपन डिस्कशन. एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक, जैसे तलहा ने कहा है, इट अप टू यू कि आप एक साइड लिखें, दो साइड लिखें, दोनों में लिखें, 50% एक को दें, 50% दूसरे को दें, 60% एक साइड को दें, दूसरी साइड. इसे कहते हैं ओपन एंडेड टॉपिक, फुल डिस्कशन. ठीक हो गया जी. इसी को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ. एक और अभी मैं आपके सामने एक कमेंट दिया. एक टॉपिक के दो पहलू हैं, ठीक है. सबा अब्दुल सत्तार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि यू मे राइट ऑन बोथ द साइड्स बिकॉज इट इज एन ओपन एंडेड टॉपिक. ठीक है. नाउ मैंने आपके सामने एक और कमेंट लिखा है कि जो कि आप लोगों ने बिल्कुल गायब कर दिया. अब क्या आप लोगों को वो नजर आया था? जेंडर इक्वालिटी, इसको मैं पिन कर रहा हूँ. यू कैन सी दिस एज अ पिन. ये अब आपके सामने है एक कमेंट. ज़ारा ज़मीर, आप प्लीज़ इसको पूरा एक्सप्लेन करें. एक मिनट. Sorry about that, guys. अच्छा जी, आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं. दोनों में बड़ा सिंपल सा फर्क है, क्योंकि एक साल ये इस तरह आया था और अगले साल दूसरी तरह आया था. तो पहले में आपने सिर्फ एग्री या डिसएग्री करना है, और अगले में आपने मर्जी है आप उसको एग्री करें डिसएग्री करें, दोनों साइड देखें, एक करें वो करें. वो ओपन एंडेड से हम कहते हैं. ठीक हो गया जनाब. तो अब इसको हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पे. ठीक है जी. एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक में हमने तीन चीज़ें देखनी होती है. ठीक है. नंबर वन ये कि क्या उसमें कोई कॉलन लगा हुआ है. दूसरा ये कि कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. अगर ये दोनों नहीं लगे हुए तो इट मींस कि क्या है,
इट मींस के वो ओपन एंडेड है और आपकी मर्जी है कि आप जो मर्जी लिखना चाहो, जिस तरफ मर्जी उसको लेके जाना चाहो, सो दैट इज़ कॉल्ड एज दिस वन। ठीक हो गया, तो ये आपके सामने जो है वो सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप जो होता है उसे हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। उस आयशा हबीब ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ये है कि जी नई नई चूज़ हुई हुई इट इज़ कॉल्ड एज ओपन एंडेड, वो आपकी मर्ज़ी है, बट वो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे एक साइड लिखो, दो लिखो, दोनों लिखो, तीनों, जो मर्ज़ी आप, दैट इज़ अप टू यू। ठीक हो गया जी, स्टेप नंबर थ्री की तरफ हम आते हैं। ठीक है जी, स्टेप नंबर थ्री जो है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में सिंपल सा है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो आप उसमें पॉइंट्स लिखें, जो भी उसके बारे में आपके जहन में आते हैं वो सारे के सारे आप उसको लिख सकते हो, उसको बता सकते हो, सारे पॉइंट्स आप रफ पेज पे लिखो 15-20 मिनट के लिए, जितने पॉइंट्स आपके सामने आते हैं उसको आप लिखना शुरू कर दो, जो जो उसके सामने आते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग आप सब लोगों को आती होगी, तो डज नॉट नीड अ फर्दर एलेबोरेशन। ठीक है, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लोगे। स्टेप फोर जो आता है उसमें हम क्या करते हैं कि जी उसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि जी आपका जो स्टेप नंबर फोर है उसमें हम ये चेक करते हैं कि आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की है उसको हम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए रफ आउटलाइन। रफ़ आउटलाइन से मुराद ये है कि आप सिर्फ उसको एक आउटलाइन बना लेते हो लेकिन रफ़ फॉर्म में कर लेते हो। ठीक है जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग कम से कम आप 15-20 मिनट्स का टाइम देंगे और उसके बाद 10 मिनट आप उसको देंगे कि आप उसको ऑर्गेनाइज़ कर सको। ठीक है, और रफ़ आउटलाइन बना सको। ठीक है, आप इसको नीट नहीं करोगे, आप इसको क्वेश्चन पे प्रोड्यूस नहीं करोगे आंसर शीट पे, वो इसलिए कि हो सकता है कि आपके जहन में दोबारा कोई पॉइंट आ जाए, हो सकता है कि आप कोई चीज़ को ऊपर नीचे करना चाहो, किसी पॉइंट को आगे पीछे करना चाहो। ठीक है, तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ रफ़ आउटलाइन बनाओगे। ठीक है, और आपकी जो नीट आउटलाइन होगी या जो आपकी फाइनल आउटलाइन होगी दैट विल बी रिटन व्हेन यू हैव रिटन द होल एसे। वो इसलिए कि वो तब आपके सामने, उसके दो तीन फायदे हैं। एक तो ये है कि आपके पास लेवरेज होती है कि आप कुछ चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक हो गया, और दूसरा ये है कि जी आपने कोई चीज़ ऐड करनी हो तो आपके पास लेवरेज होते हैं। लेकिन थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आपके सामने पूरा ऐसे लिखा होगा तो आपकी आउटलाइन जो है ना वो पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। वो इसलिए कि आपके पास सारे मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, सब पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स, आर्ग्यूमेंट सारे जो है ना बिल्कुल लिखे होंगे 1 से लेकर Z तक, फ्रॉम ए टू जी। जब आप उसको ऑर्गेनाइज करके जब बनाओगे आउटलाइन तो आपकी आउटलाइन जो है ना वो बहुत अच्छी बन के सामने आ जाएगी इन कंपेरिजन टू जो आपने पहले से लिखी हो। तो इसीलिए इन माई रिकमेंडेशन इज़ कि आप आउटलाइन को हमेशा आखिर में बनाओ जब आपने सारा ऐसे लिख लिया हो, ताकि आपकी आउटलाइन जो है वो अच्छी बन सके, आपकी जो आउटलाइन है वो बेहतर तरीके से सामने आ सके और आउटलाइन जो है ना आप बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से जो है ना वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सको। सो आउटलाइन शुड कम आफ्टर यू रिटन द होल ऐसे, ताकि आप उसको अच्छी आउटलाइन जो है ना वो आपने उसकी स्पेस छोड़ी हो और आप उसको वहाँ पे जो है ना फौरन रिप्रोड्यूस कर दो और उसको वहाँ पे बना सको। हेडिंग किसी किस्म की जो है ना आप ऐसे में नहीं लिखेंगे। महक का क्वेश्चन था, सना वन, जेंडर इक्वलिटी इज मिथ, सर डू वी हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट दैट दिस इज अ मिथ? यस, इट इज़ अप टू यू, दिस इज़ अप टू यू। जो फुल स्टॉप वाला है दैट इज़ अप टू यू कि आप एग्री करो डिसएग्री करो, यू मे राइट बोथ द साइड्स एज वेल, स्टांस वो आपका अपना है। ठीक हो गया, तो ये आता है। ठीक है, आउटलाइंस में हेडिंग किसी किस्म की कोई हेडिंग जो है ना वो आपकी नहीं होगी, इवन कोई उर्दू के अशआर भी नहीं होंगे। प्लीज़ इसको आपने जो है ना वो नहीं करना इन चीज़ों को। ठीक है जी, अगले में आते हैं। अगला है स्टेप नंबर फाइव, दैट इज़ कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन has got two parts. Introduction is the most important paragraph of your essay. वो इसलिए, and I'm sorry, I have to rush through this because बहुत बड़ी लंबी discussion है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी उसको हम अच्छे तरीके से हम बता सकें। ऐसे ने जो क्वेश्चन पूछे, आप पहले से उसकी आउटलाइन की जारी बात है वो तो आप बनाओगे बनाओगे, ये काम तो आपने करना ही होगा कि पहले आप 3-4 पेजेस साइड्स छोड़ दोगे तो आप उसको लिखोगे तो वो मेक्स नो डिफरेंस। अटेम्प्ट आपने रफ के मुताबिक ही करनी है बिल्कुल। इंट्रोडक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, और इंट्रोडक्शन में मैं जो आपको क्वेश्चन देता हूँ, इंट्रोडक्शन को आपने कम अज़ कम 20 मिनट्स देने हैं उस पूरे पैराग्राफ को।
ठीक है, और वो पैराग्राफ आपने बहुत अच्छा प्रोड्यूस करना है ताकि आपका इंप्रेशन, आपके जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी के सारी जो है ना वो एग्जामिनर पे आ सके, वो उसको समझ आ सके कि यार आप जो है वो कोई चीज़ लिखने जा रहे हो, आपने कोई चीज़ लिखी है, ताकि वो उसी से इम्प्रेस होकर आपको जो है ना मार्क्स दे सके। इसीलिए इट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इन दी होल एसे। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। ठीक है, टू पार्ट्स, द टोटल लेंथ ऑफ द इंट्रोडक्शन इज़ अबाउट 12 to 14 सेंटेंसेज। थोड़ा सा लेंथी पैराग्राफ ये होता है नॉर्मली, 12 to 14 सेंटेंसेज, और डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। पहले पार्ट में 5 to 6 सेंटेंस होते हैं और अगले पार्ट में जो है ना वो 7 to 8 सेंटेंस होते हैं ताकि आप उसको एक्सप्लेन कर सको। ये एक ही पैराग्राफ होते हैं लेकिन उसके दो हिस्से होते हैं ताकि आपको डिफ्रेंसीशन जो है ना वो आ सके कि जी हमने कितना करना है। मैंने आपको लेंथ बता दिया, इट हैज़ टू बी 12 to 14 सेंटेंसेज, नॉट लाइन। सेंटेंसेज की मैं बात कर रहा हूँ, सेंटेंसेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेंटेंस जो आपने उसमें लिखने हैं। ठीक है, इट इज़ अप टू यू राना हसीब, जो भी आप फार्मूला लगाओगे दैट इज़ अप टू यू, यू आर द राइटर, यू आर द बेटर जज ऑफ इट। जो आपको उस टाइम पे ठीक लग रहा होगा करते हुए आप उसको उस टाइम पे आप आओगे। ठीक है जी, अब इंट्रोडक्शन में हम आते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड एज इंट्रोड्यूसिंग लाइन्स या इंट्रोडक्टरी लाइन्स। सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन इज नोन एज समरी ऑफ द होल एसे। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्टरी लाइन्स, नंबर टू इज कॉल्ड एज the summary of the whole essay. Not very high, it does not play hasnain, it does not play a very lucrative role, rather it causes problems because you may use a word out of context. ठीक है जी, अब आता है first part of introduction. First part of introduction जो है इसमें आप topic को introduce करते हो examiner के लिए कि आपको उसके बारे में क्या समझ आई और क्या समझ नहीं आई। ठीक है, अब ये मुझे कोई बता दे ताकि आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ आए कि क्यों मैं कहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग लाइंस या वेरी फर्स्ट लाइंस जो हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है? एनीवन कैन आंसर दिस टू मी? एक ही पैराग्राफ के दो पार्ट